तो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विधानसभा में कई मुद्दे उठाए। उन्होंने आंगनवाड़ी सहायिकाओं का भी मुद्दा उठाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रतीक सिंह ने। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी हैं। लोबिन जी, क्या लग रहा है, सरकार में सब अच्छा चल रहा है? अच्छा चलता तो हम क्यों बोलते, गड़बड़ हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं। यहाँ पर अफसरों का चलती है लेकिन चलेगा नहीं। लगातार आप मुखर होके आवाज उठा रहे हैं, आज धरना पे भी बैठे थे गोड्डा डीडीसी के खिलाफ। इसके पहले अवैध तरीके से जो बालू उत्खनन होता है या पत्थर, इस पे भी आपने सवाल उठाया। सर यार, कौन नहीं जान रहा है यार, पत्थर फ्री जा रहा है, बालू फ्री जा रहा है, सारा चीज फ्री जा रहा है, लकड़ी भी फ्री जा रहा है। ये झारखंड का संपत्ति है और उसको देखना, उसको संवारना, उसका संरक्षण करना ये हम लोगों का दायित्व बनता है। जब जा रहा है तो हम नहीं बोलेंगे, सरकार को संज्ञान में नहीं देंगे। और सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है तो फिर जनता जनार्दन होंगे। जनता जनार्दन के चलते ही हम लोग बने हैं और हम लोग बनाए तब सरकार बनी है। तो राज्य में आपकी सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री है, क्या लग रहा है? देखिये भैया, सरकार तो आती जाती रहेगी। जो सरकार अच्छा काम करेगी राज्य के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, वो अच्छा है। और सरकार बनने के बाद भी यहाँ के लोगों का हित नहीं हो, यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो, यहाँ के गरीब लोगों की जनता की आवाज को लोग नहीं सुने तो बेकार है। तो जाहिर सी बात है, आप वरिष्ठ विधायक भी हैं जेएमएम के, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो क्या सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे? एकदम, यही रास्ता है ये है। और वो खून खराबा थोड़े करेंगे। जब आंतरिक तरीके से आंदोलन होता है, महात्मा गांधी खून खराबा तो नहीं किए थे। जनता अगर फैसला ले लेना कौन पदाधिकारी का चलेगा, कौन पदाधिकारी का चलेगा? तो क्या सह लग रहा है, मंत्रियों का भी है पदाधिकारी पे? देखिए, ये लोग एक तरह से इन लोग का नहीं चल रहा, ये ना समझोगे। अगर चलता तो हमने मंत्री को भी कहा, लेकिन देखेंगे। अरे विभाग आपका है, देखोगे कौन की कार्रवाई करो, ये सोरना में बोलो, देखेंगे मतलब देखेंगे क्या की देखेंगे। तो क्या लग रहा है, मिली भगत है क्या? मिली भगत है यार, लापरवाही है, निग्लिजेंसी है, समझे ना। अब बताइए, हम अपने भी तो ही बोल रहे हैं ना, ये पब्लिक का काम है। आंगनवाड़ी केंद्र में गांव गांव में बच्चे लोग को वहां पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है। इतना साल भर बाद ही रहा, ये बीजेपी की सरकार तो फेलियर है, नहीं कुछ किया। ये सरकार को आने के बाद में भी हम लोगों ने संज्ञान में भी दिया, फिर भी नहीं हो रहा है। तो उधर झारखंड में मधुपुर उपचुनाव को लेकर जहां एक ओर सत्ता पक्ष का कहना था कि बीजेपी के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वो दूसरे पार्टी के नेताओं को टिकट देकर चुनाव मैदान में खड़ा कर रही है, तो वहीं एनडीए के विधायकों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी भी हाल में मधुपुर चुनाव जीतना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि आजसू और बीजेपी विधायक को साफ साफ बोलने से बचते नजर आए। उनका कहना है कि हमें एनडीए को जिताना है, इसके लिए चाहे जो भी कुछ करना हो वो सब कुछ करेंगे। जो उनको कहना है कहें, युद्ध के मैदान में सब जायज होता है। हम वो घबरा रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं, आंकड़े देख लीजिए, हम चुनाव जीतेंगे। का लक्ष्य था कि मधुपुर उपचुनाव एनडीए जीते, इसलिए हम लोग एकमत होकर एक लक्ष्य को कि जीत वहाँ पर एनडीए की हो, इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं और एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोग सार्थक प्रयास कर रहे हैं। कैंडिडेट तो बदलता रहता है ना, और अभी तो फाइनल हुआ नहीं है। देखिए, हमारे राज परिवार जी दो बार वहाँ से विधायक भी रहे, एक बार मंत्री भी रहे, तो ऐसा